साथ ही हम देखेंगे अगले पॉइंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीएचडी, यानी कि कौन कौन से टाइप है। तो जैसा कि आप देख चुके होंगे, अगर हमारे पहला वीडियो जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को डिटेल में बताया है, जिसमें हमने बताया है कि इसमें वाल्व होते हैं, तो सबसे पहले यही जिक्र कर लें कि हार्ट वाल्व डिफेक्ट हो सकते हैं। अब ये जान लीजिए कि ये वाल्व क्या हो सकते हैं, तो अब नॉर्मल हो जाएंगे, यानी कि वो ना तो प्रॉपरली ओपन नहीं होंगे, यानी कि फुल फ्लो नहीं करेंगे, एनआरबी एक्शन जो है वो नहीं हो रहा, और क्लोज हो जाने के बाद भी ब्लड लीक हो रहे हैं। तो इस तरह के एबनॉर्मल हार्ट वाल्व डिफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है अट्रेसिया बोलते हैं, अट्रेसिया यानी कि वन ऑफ द वाल्व होता ही नहीं है। आपको याद होगा मित्रों, चार तरह के वाल्व के जिक्र हमने किया है, यहां आप पिक्चर में देख रहे होंगे, जिसमें कि यहां ट्राइकस्पिड वाल्व है जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, यहां पल्मोनरी वाल्व देख रहे हैं जो कि लोकेटेड है राइट वेंट्रिकल्स, यहां राइट वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी आर्टरी के बीच, मिट्रल वाल्व देख रहे हैं जो कि है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, और एओर्टिक वाल्व देख रहे हैं जो कि है लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच। तो ये चारों वाल्व जो हमारे ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, इन सबों में से कहीं भी कोई डिफेक्ट आ गया, हमारे हार्ट के कुछ समस्याएं हो सकती हैं कोई लीकेज के वजह से, और यही हमारे इनेबिलिटी ला देते हैं, ओवरऑल हार्ट को ब्लड को पंपिंग नहीं कर पाता है सही रूप से। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट, हार्ट वाल डिफेक्ट। तो जैसा कि हमने बात किया है, ये चार चैम्बर आप देख पा रहे होंगे हार्ट में, ये चारों चैम्बर के जो स्किन बने हुए आउटर यानी कि ये जो कवरिंग है, मुख्यतः तीन तरह के लेयर हैं, तीन लेयर हैं, जो सबसे आउटर लेयर आप यहां देख पा रहे होंगे एपिकार्डियम है, और बीच वाला मायोकार्डियम है, और सबसे अंत वाला जो सबसे ब्लड के कंटेक्ट में रहते, जो कंटेनर की तरह रहता है, इंडोकार्डियम बोलते हैं। तो ये तीनों लेयर हैं मित्रों हर वाल के। अब होता क्या है, एक होल हो जाएगा, कहां कहां, तो जैसा कि चार चैंबर है, तो चारों चैंबर आपस में इन्हीं वाल के द्वारा टच हो रहे हैं, इन्हीं वाल में कहीं ना कहीं होल हो जाते हैं, और तब ये सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। नेचुरली क्या होता है, ये चारों चैंबर को यह डिवाइड करते रहता है, और ऊपर के दोनों, नीचे के दोनों, साइड साइड में, चारों जगह कहीं कोई गैप नहीं होना चाहिए। मित्रों अगर ये बीच में होल हो जाए तो क्या होगा, आप यहां देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड है, और राइट साइड में यहां हम यानी कि हार्ट के लेफ्ट में आप देख पा रहे होंगे ये रेड कलर में है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड है। तो ये मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने से क्या हो जाएगा हम आगे बात करेंगे, वो संक्रमित ब्लड ही पूरे बॉडी में चला जाएगा आयोटा से, तो यह कहीं न कहीं कमी ला देता है, नीलापन हो जाते हैं, और ये हमारे हार्ट पर ज्यादा ही प्रेशर डालते हैं, वो हार्डर हो जाते हैं, और यही हाई ब्लड प्रेशर का बच्चा अगर कंजेनियल हार्ट डिजीज के साथ, डिफेक्ट के साथ पैदा हुआ है, तो आगे चल के काफी संभावनाएं होती हैं कि वो हाई ब्लड प्रेशर का बीमारी भी बन जाए। नेक्स्ट आता है ब्लड वेसल डिफेक्ट। आपको पता होगा कि हमारे आर्टरी और वेन्स यही मुख्यतः ब्लड वेसल कहलाते हैं, इनके छोटे छोटे भी हैं, आर्टरी लेट हैं, वेनलेट हैं, कैपिलरी हैं, यही सब हमारे खून को ले जाते हैं और वापस भी लाते हैं, डीऑक्सीजनेट होने पर वापते हैं और ऑक्सीजनेटेड को पूरे शरीर में भेजते हैं, और इसी तरह से हमारा हार्ट प्रॉपरली फंक्शन करता है। और यही अगर वाल्व वेसल्स ब्लॉक हो गए तो हमारे क्या हो जाएंगे मित्रों, हमारे ब्लड का फ्लो जो है ये घट जाएगा, और इसके कारण ही कई तरह की जटिलताएं आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पंपिंग एक्शन जो है, जैसा कि हम जान रहे हैं हृदय हमारा मुख्यतः एक पंप है, और ये पंप
इफिशियंटली जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। नेक्स्ट है मित्रों सायोनेटिक कंजेनियल हार्ट डिजीज। इसके तहत क्या होता है, इसकी जो क्षमता होती है वो अपर्याप्त कैपेसिटी इसकी घट जाती है, जिसके कारण लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो ब्लड में पहुंचना चाहिए वो पहुंचता है। दूसरा है ए साइनोटिक कंजेनियल, जो कि इसके उलट है साइनोटिक के, इसमें इनसफिशियंट पंपिंग कैपेसिटी हो जाते हैं, जो कि बड़े ही नहीं के बराबर ही ब्लड को फ्लो कराते हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा लगभग नहीं के बराबर ही होती है। कुछ बच्चे जो हैं रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल महसूस कर सकते हैं इस बीमारी के कारण, और तब उनमें सांसों की कमी हो जाती है और तब उनमें एक ब्लू स्टिंट, उनके स्किन भी बिल्कुल वाइट नहीं होंगे, नीलापन लेके हो जाता है। जिनमें ऑक्सीजन की सफिशियंट मात्रा है जिनके खून में वो बिल्कुल फिट होंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन जैसे जैसे घट जाते हैं तो उसके बावजूद भी उनके सिम्टम नहीं दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा तब उनकी जटिलताएं उनके जीवन में दिखते हैं और वो हाई ब्लड प्रेशर के रूप में ही दिखता है। तो यह था मित्रों आज इस कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट के तहत आपने इस वीडियो में देखा कि क्या होता है और कितने तरह के होते हैं। हम अगले वीडियो में देखने जा रहे हैं कि क्या क्या कारण हैं, प्रमुख कारण क्या क्या हैं और क्या क्या प्रमुख लक्षण हैं इस कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट।